नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। इस बार जन्माष्टमी के निर्धारण में क्या समस्या है, जन्माष्टमी का महत्व और अर्थ क्या होता है, और कैसे करें जन्माष्टमी के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति का चुनाव, किस प्रकार मनाएं जन्माष्टमी का पर्व, ये कई सवाल हैं जो कि आज हम जानेंगे पंडित जी से इनके जवाब। कैसे करें आप कान्हा के श्रृंगार और क्या हो प्रसाद, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुडलक मंत्र की। भगवान कृष्ण को आप जो भी भोग लगाते हैं, चाहे जन्माष्टमी पर लगाएं, चाहे इसके अलावा लगाएं, भगवान श्री कृष्ण को जो भी भोग लगाएं, उसमें दो पत्ते तुलसी के अवश्य डालें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इससे आपका भोग स्वीकार होगा और जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा संपूर्ण होगी। अगर आपके पास भोग प्रसाद नहीं भी है तो केवल दो पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को अर्पित करें, इसी से आपके भोग की संपूर्ण व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो चलिए, ये तो गुडलक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 18 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 18 अगस्त 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:20 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 11:35 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर आपको पंडित जी ने बता दिया है और गुडलक मंत्र भी यहाँ पर आपने जाना है, क्योंकि जन्माष्टमी के इस खास अवसर पर ये खास एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप भी जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो अच्छे से मना सके और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। तो जन्माष्टमी की हम बात कर रहे हैं पंडित जी, इस बार कहा जा रहा है कि निर्धारण में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आपसे यही जानना चाहूँगी सबसे पहला सवाल कि जन्माष्टमी के निर्धारण में इस बार क्या समस्या बताई जा रही है। इस बार जन्माष्टमी के लिए दो तारीखें सामने आ गई हैं और उन तारीखों को लेकर के समस्याएं पैदा हो रही हैं। कैलेंडरों में जन्माष्टमी दो तारीखों को दी गई है, 18 अगस्त और 19 अगस्त, दो तारीखें हैं। अब लोग ये कन्फ्यूज्ड हैं कि 18 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाएं या 19 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाएं। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृषभ लग्न में, अर्थात जन्म के समय मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि थी। इस बार अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात में 9:20 पर आरंभ हो रही है और ये अष्टमी 19 अगस्त को रात को 10:59 तक रहेगी। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 19 तारीख को उदया तिथि है तो 19 को जन्माष्टमी मनाओ, लेकिन जन्माष्टमी के साथ नियम ये कहता है कि चंद्रमा के उदय से जन्माष्टमी का निर्धारण होता है, चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। चंद्रमा का उदय 18 अगस्त को रात में लगभग 11 के आसपास होगा और उस समय अष्टमी तिथि होगी, इसीलिए 18 अगस्त को चंद्रोदय व्यापिनी तिथि अष्टमी होगी। तिथि और चंद्रमा के आधार पर 18 अगस्त की मध्य रात्रि को जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा उचित होगा। मध्य रात्रि में अष्टमी पड़ेगी 18 तारीख को,
18 और 19 तारीख की दरमियानी रात को पड़ेगी ये, इसलिए 19 तारीख की रात में तो नवमी हो जाएगी, लेकिन तकनीकी रूप से 18 तारीख की रात को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित होगा। अब आपने कैलेंडरों में कहीं देखा होगा कि स्मार्ट का लिखा है 18 तारीख और वैष्णव का लिखा है 19 तारीख। जो लोग वैष्णव परंपरा के हैं वो उदया तिथि से चलते हैं। वैष्णव परंपरा का मतलब जिन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली हो, वैष्णव नियमों का पालन करते हो, ऐसे लोग 19 तारीख को जन्माष्टमी मना सकते हैं, क्योंकि वैष्णव परंपरा की बात जरा दूसरी है। लेकिन एक आम आदमी, एक साधारण आदमी 18 अगस्त की मध्य रात्रि को ही जन्माष्टमी का पालन करेगा और वही उसके लिए बेहतर होगा। तो जो संशय यहाँ पर तारीखों को लेकर था, पंडित जी ने उसको दूर कर दिया है। 18 की मध्य यात्री को आप जन्माष्टमी मना सकते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा सकता है। फिलहाल अब आते हैं जन्माष्टमी के महत्व पर और उसके अर्थ को जान लेते हैं, समझ लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जन्माष्टमी का मतलब क्या है? जन्म की अष्टमी। जैसा आपको पहले बताया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है ये, अष्टमी तिथि को जन्म हुआ था, इसीलिए निर्धारण में अष्टमी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसा अभी आपको मैंने बताया कि अष्टमी तिथि मध्यरात्रि को 18 तारीख की रात में पड़ेगी, इसीलिए 18 तारीख की रात को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित भी होगा। तो मुख्यतः भगवान कृष्ण के जन्म की अष्टमी है, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना जाता है। शंकराचार्य जी ने कहा, एते चांश कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो अंशावतार हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से अगर कोई भगवान है तो वो भगवान कृष्ण हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व मना करके आप अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोग जन्माष्टमी पर विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण का मतलब तारक ब्रह्म की सत्ता, जिसका आपके दुख से सुख से लेना देना है और जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, उस सत्ता का नाम है कृष्ण। तारक ब्रह्म की उपमा केवल दो ही सत्ता को दी गई है, शिव को और कृष्ण को। तो अगर आप भगवान कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, भगवान कृष्ण की ध्यान साधना पूजा उपासना करते हैं, तो आप अपने किसी भी मनोकामना को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, जन्माष्टमी कब मनानी है और उसका महत्व क्या होता है, अर्थ क्या होता है, पंडित जी ने आपको अच्छे से समझा दिया है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल अब राशियों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, पैसे की स्थिति बेहतर होगी, संपत्ति का लाभ भी आपको होगा और सेहत की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंताओं से बचना है आपको, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, जीवन साथी का सहयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
केले का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रिश्तों की समस्या से इस समय आपको बचना चाहिए। भगवान कृष्ण को अगर आप तुलसी दल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे और इसके अलावा हम जान रहे हैं जन्माष्टमी पर्व के बारे में, किस तरीके से आप जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं, कब मनाना है, ये सारी जानकारी आपको आज के इस खास एपिसोड में मिल रही है। लेकिन फिलहाल अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल लेने का और चलिए देख लेते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो किसका है, क्या वो पूछना चाहते हैं पंडित जी। जी आज का जो पहला प्रश्न है, श्रीमती दमयंती ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 18 अगस्त 1999। जन्म का समय है सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि क्या पुत्री को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिलने की क्या संभावना है, और दूसरा कह रही हैं कि पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री की कुल उम्र अब होने जा रही है 23 साल की, उसका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन की उसको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं कहूँगा कि अभी विवाह होने में वक्त लगेगा, 27 वर्ष पूरा होने के बाद इनके विवाह होने की संभावना कुंडली में बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है अगर ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें या कानून से संबंधित किसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करें, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पाना, वहाँ पर राजकीय सेवा पाना इनके लिए आसान होगा। हालांकि उसमें 3 साल का समय है, अभी 2025-26 के आसपास इनकी सरकारी नौकरी के योग दिखाई देते हैं। अब इनके गवर्नमेंट जॉब के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी बेहतरी के लिए क्या किया जाए, इनको एक पन्ना बनवा के आप पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहना दें। और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दमयंती जी को तो उनके सवाल के जवाब यहाँ पर मिल चुके हैं, समस्या का समाधान पंडित जी ने आपको दे दिया है, कुछ उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि उपाय आपके काम जरूर आएंगे। तो अगर कोई और दर्शक जो हमें देख रहा है कुछ पूछना चाहता है पंडित जी से, हमें लिख भेजिए, हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जन्माष्टमी की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, कब बनानी है ये तो हमने जान लिया, लेकिन जन्माष्टमी के त्यौहार के लिए श्री कृष्ण की अगर मूर्ति खरीदने आप बाजार में जा रहे हैं तो कौन सी मूर्ति आपको खरीदनी चाहिए, सही मूर्ति कौन सी होती है, कैसे आपको उसका चुनाव करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति तो आपको चाहिए ही, जिनको आप बीचों बीच बैठा करके उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, मंत्र जप करेंगे। अगर आपको मूर्ति का चुनाव करना है तो कैसी मूर्ति लेने से किस तरह के फायदे होंगे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है, जो बचपन के कृष्ण हैं, बालक कृष्ण हैं, उनकी स्थापना और पूजा की जाती है। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से या अपनी मनोकामना के हिसाब से जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में प्रेम चाहिए,
अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करेंगे। संतान के लिए चाहते हैं तो बाल कृष्ण की स्थापना करेंगे और सभी मनोकामनाओं के लिए बंसी बजाते हुए अकेले कृष्ण की स्थापना करेंगे। जो बंसी बजाते हैं कृष्ण, उन्हें कहते हैं मोहन, क्योंकि उनकी बांसुरी से मोहिनी विद्या पैदा होती है। इसीलिए बांसुरी वाले कृष्ण को बंशीधर मुरलीधर तो कहते ही हैं और साथ ही साथ में उनको मोहन भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति तो आप स्थापित कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा इस दिन शंख और शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं। शंख और शालिग्राम भी अगर आप जन्माष्टमी के दिन लाते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की कौन सी मूर्ति आपको खरीदनी है जन्माष्टमी के इस खास अवसर पर, पंडित जी ने बता दिया है। इसके अलावा भी कौन सा ऐसा सामान है जो आप इस दिन खरीद सकते हैं, वो भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली तीन राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी महत्वपूर्ण समस्या इस समय आपकी हल होगी। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। करियर में इस समय आपके लिए बदलाव के योग बने हुए हैं। भगवान कृष्ण को अगर आप सफेद मिठाई का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। भगवान कृष्ण की अगर आप कपूर से आरती करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में समस्याएं हो सकती हैं। धन की हानि से आपको बचाव करना चाहिए। वाहन अगर आप सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान कृष्ण को अगर आप तुलसी दल अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम बताएंगे और साथ ही साथ देंगे आपको एक महा उपाय, लेकिन कार्यक्रम के आखिर तक आपको हमारे साथ बनी रहना होगा। अब आते हैं आप लोगों के सवाल पर, यानी कि अगले ईमेल पर। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं पंडित जी। जी, सिद्धि जी ने हमें मेल लिखा है। सिद्धि जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1972, 1972। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान ये लिख रही हैं नासिक और मेल लिखती हैं हमें मुंबई से। ये लिख रही हैं कि नौकरी के दो ऑफर इनके पास इस समय आए हुए हैं। एक विदेश का ऑफर है, एक देश का ऑफर है और नौकरी बदलना चाहती हैं, तो क्या इस समय विदेश जाना बेहतर होगा? और अगर विदेश जाकर के नौकरी करने का प्रयास करें तो इनके लिए आने वाला समय कैसा होगा, सफलता कितनी मिलेगी? सिद्धि जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी हम आपको विदेश जाने की सलाह नहीं देंगे। नौकरी बदल लीजिए, उसमें भी आपका स्थान परिवर्तन हो रहा होगा,
मुंबई से निकल करके कहीं और जाने का मौका मिल रहा होगा, वहां जाइए, क्योंकि विदेश जाना अभी सूटेबल नहीं होगा। वहां पर जा करके अगर कोई स्वास्थ्य की दिक्कत होती है या कोई नौकरी में उतार चढ़ाव होता है तो वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगी। इसलिए बुद्धिमानी यही कहती है कि अभी आप नौकरी बदल लें, लेकिन भारतवर्ष में ही रहें, यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर होगा। 2024 में अगर आप विदेश जाती हैं या 2024 में अगर विदेश जाने का मौका मिलता है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए? एक नीलम बनवा लीजिए, लगभग 4-5 रत्ती का नीलम, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। शनिवार की रात को इसको धारण करिए, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें आप, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम रोज जप करने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, और उसकी समस्या जो आप हमें भेज रहे हैं उसका समाधान देंगे आपको पंडित शैलेंद्र पांडे जी। फिलहाल एक बार फिर से आ जाते हैं जन्माष्टमी पर, क्योंकि आज जन्माष्टमी किस तरीके से आपको मनानी चाहिए, क्या सही तरीका यहाँ पर होता है, यह हम जानने की कोशिश पंडित जी से कर रहे हैं। मूर्ति कैसी लेनी है ये तो आपने जान लिया, लेकिन पंडित जी हम देखते हैं कि बाजार में जब हम कान्हा की मूर्ति लेने जाते हैं तो श्रृंगार का सामान वहां पर बड़ा ढेरों सारा रहता है, और कान्हा का जो श्रृंगार है वो हर बाकी जो देवी देवताएं हैं उनमें सबसे अद्भुत रहता है, तो किस तरीके का इनका श्रृंगार होना चाहिए? जैसा कि रेखा ने कहा कि बहुत सारी श्रृंगार की सामग्रियां भगवान कृष्ण की मिलती हैं, कारण बिल्कुल सही है, वो रसेश्वर हैं, सौंदर्य के, प्रेम के देवता हैं, ऑब्वियसली उनका श्रृंगार बहुत अच्छा होना चाहिए ही। किस तरह से आप अपने घर में भगवान कृष्ण का श्रृंगार करेंगे? भगवान कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का बहुत प्रयोग करें, फूलों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार होना चाहिए। आप मोती हीरा मत भी पहनाइए, लेकिन चंदन का प्रयोग जरूर करिए, फूलों का प्रयोग जरूर करिए, चंदन की खुशबू का प्रयोग करिए। काले रंग की चीजों का या काले रंग का प्रयोग इनके श्रृंगार में मत करिए। वैजयंती के फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए अगर आप वैजयंती के फूलों से भगवान कृष्ण का श्रृंगार करें तो ये सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मुख्य रूप से दो बातें समझिए उनके श्रृंगार की, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें। एक, फूल होने चाहिए ढेर सारे, पुष्पों से उनका श्रृंगार करिए। और दूसरा, भगवान कृष्ण को पीतांबर अर्पित किया जाता है, यानी पीला वस्त्र ही उनको समर्पित करेंगे, पीला वस्त्र ही उनको पहनाएंगे। उसके अलावा आप मुकुट, माला, जो भी अर्पित करना चाहें वो करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन फूलों का प्रयोग बहुत होना चाहिए, बहुत जरूरी है वो। और जो भी उनके श्रृंगार में वस्त्र का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो पीले वस्त्र होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो किस तरीके से श्रृंगार यहाँ पर कान्हा का आपको करना है, क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है, ये आपने जान लिया। अब आते हैं श्रृंगार से आगे प्रसाद पर, तो पंडित जी प्रसाद किस तरीके का यहाँ पर चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, भगवान कृष्ण का जो भोग है या जो उनको प्रसाद अर्पित करते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? देखिए, भगवान कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये पंचामृत हो गया, इसमें गंगा जल डालेंगे और तुलसी दल जरूर डालेंगे। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी उन्हें लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर भारत में ऐसा देखा गया है कि भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी अर्पित की जाती है, धनिये की पंजीरी अर्पित करना भी शुभ होता है। पूर्ण सात्विक भोजन उस दिन घर में बनाइए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा उसमें, और इसमें तमाम तरह के व्यंजन होने चाहिए, पूड़ी है, सब्जी है, चावल है, खीर है, ये सब भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है।
लेकिन मुख्य रूप से जन्माष्टमी पर जिस प्रसाद की महिमा है वो एक तो माखन मिश्री है, कहीं कहीं पर धनिये का प्रसाद है, और रात में जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाए, जब आप उन्हें झूले में बैठा करके झूला झूला लें, उसके बाद उनको घर का बना हुआ सादा सात्विक भोजन उनके चरणों में समर्पित करें, और उसके बाद जिसको प्रसाद ग्रहण करना है वो करेगा, तो ये अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा। अब हो सकता है कि आपके पास सामर्थ्य ना हो, आप ये सब ना कर पाए, ऐसी स्थिति में दो पत्ते तुलसी के, केवल दो पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को समर्पित करने से आपके भोग की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। और आप याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप भगवान कृष्ण को समर्पित करेंगे, चाहे भोजन है, चाहे पंचामृत है, चाहे फल है, चाहे मिठाई है, उन सब में दो दो पत्ते तुलसी के जरूर डाल दीजिएगा, तभी वो भोग स्वीकार होगा। तो भोग आपको क्या लगाना है, क्या प्रसाद आपको बनाना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो जन्माष्टमी अगर आप मना रहे हैं, घर पर प्रसाद बना रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें। आगे बढ़ते हुए अगली तीन राशियों पर अब आते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से इन तीन राशियों के बारे में, जो कि है तुला, वृश्चिक और धनुराशि। तुला राशि, कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की जल्दबाजी फिलहाल मत करिएगा, और किसी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेकर के चलिएगा तो आपको लाभ होगा। भगवान कृष्ण को अगर आप पंचामृत अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है, धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखें। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले वस्त्र अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। धनु राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता रहेगी आपकी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ही फायदा होगा आपको। तो राशियों के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में हमने जाना, और कुछ ही देर में हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं आज के हमारे अगले ईमेल पर, देखते हैं अगला जो सवाल है वो हमें किसने भेजा है, क्या पूछना चाहते हैं और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी, जी रतन जी ने हमें सवाल लिखा है, उदयपुर राजस्थान से लिखते हैं, इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1980, जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे, और जन्म का स्थान है उदयपुर राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, एक बार शादी तय होकर के होते होते रह गई, टूट गई, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है, क्या मेरा विवाह होगा भी या नहीं होगा, और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रतन जी, पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में विवाह होने की संभावना बहुत ही कमजोर है,
और विवाह होना आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत ही कठिन दिखाई देता है। मेरे हिसाब से विवाह होने की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी आप थोड़ा प्रयास करके देख लें। 2023 में फरवरी के बाद थोड़ी बहुत संभावनाएं बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आप किसी संबंध में लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन विवाह होने की संभावना आपकी कुंडली में कठिन है। अब 2023 में फरवरी के बाद आपको प्रयास करके एक बार देखना चाहिए, उस समय आपका विवाह संभवतः हो सकता है। क्या उपाय किया जाए, क्या तरीका देखा जाए? एक ओपल बनवा करके पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। प्रभु ने चाहा तो अगले साल आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो लगातार पंडित जी आप लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, वो सवाल जो कि आप ईमेल के जरिए हमें भेजते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से लिख भेजिए, हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब जन्माष्टमी के त्यौहार पर आते हैं, क्योंकि किस प्रकार आपको मूर्ति का चयन करना है, क्या भोग लगाना है, क्या आप पसंद होता है भगवान श्री कृष्ण को, ये तमाम तरीके की चीज़ें हमने जानी, बारीकियाँ हमने समझी, लेकिन जन्माष्टमी का पर्व किस तरीके से मनाएं, आइए अभी जान लेते हैं। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि 18 तारीख की मध्य रात्रि को, यानी अंग्रेजी कैलेंडर में 18 और 19 वाली मिडनाइट को आपको जन्माष्टमी मनानी है। सुबह के समय स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लीजिए कि आज मैं जन्माष्टमी का व्रत रखूंगा या रखूंगी, मैं पूजा करूंगा या पूजा करूंगी। दिन भर जल ग्रहण कीजिए, फल ग्रहण कीजिए, सात्विक रहिए। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की एक मेटल की मूर्ति, चांदी की हो, सोने की हो, ठीक है, एक मेटल की मूर्ति किसी पात्र में रखें, किसी बर्तन में रखें। उस प्रतिमा को सबसे पहले जन्म होने के साथ, यानी 12 बजे के बाद उस प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। पहले उसे दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसको पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं। इसके बाद उनका शरीर अच्छी तरह से पोछें और पीतांबर यानी पीला वस्त्र, पुष्प और भोग प्रसाद उनको अर्पित करें। जिस चीज से आप पंचामृत अर्पित करेंगे, वो अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर अर्पित की जाएंगी। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को पंचामृत स्नान करवाएगा या जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, वो काले या सफेद वस्त्र धारण नहीं करेगा। तो जब भगवान कृष्ण को स्नान करा लिया, वस्त्र पहना दिए, तब उनकी मूर्ति को आप झूले पर रखिए, उन्हें झुलाइए और इसके बाद अपनी मनोकामना के हिसाब से मंत्र का जप आपको करना चाहिए। और अगर कोई मंत्र नहीं जानते तो कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः, जो दुनिया को आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो कृष्ण 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 कृष्ण, इस मंत्र को भी आप लंबे समय तक जपिए। इसके बाद उन्हें प्रणाम करिए, अंत में प्रसाद ग्रहण करिए और वितरण करना चाहिए आपको। जो लोग दिन भर उपवास रखते हैं, वो जन्म हो जाने के बाद पहले भगवान को भोजन का भोग लगाएंगे, इसके बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का समापन जन्म हो जाने के बाद कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है, जन्माष्टमी का जो व्रत है, वो बड़ा कीमती है। 5000 साल पहले आए हुए कृष्ण का जो प्रभाव है, वो आज भी हमारे मन, हमारे हृदय पर इस तरह से है कि कृष्ण आज भी रिलेवेंट हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। और भगवान कृष्ण से ज़्यादा अटैचमेंट किसी देवी देवता के स्वरूप के साथ सामान्यतः लोगों का नहीं होता है। उसका कारण है कृष्ण की मधुरता, कृष्ण का प्रेम और कृष्ण का वात्सल्य।
तो किस प्रकार आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी है, पर्व किस तरीके से मनाना है, क्या चढ़ाना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी तीन राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, काम का बोझ अभी आपको परेशान कर सकता है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, अनावश्यक तनाव भी आपको रह सकता है, ये संभावना बनती है। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वाद विवाद से बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होगी, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में आपके शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान कृष्ण को पीले फूल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, आपने ये जान लिया है कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी ईमेल भी हम ले लेते हैं। तो देखते हैं आखिरी जो ईमेल हम लेने वाले हैं वो किसका है, क्या वो पूछना चाहते हैं, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी जी, आखिरी प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है। कुणाल जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1984। जन्म का समय है लगभग दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है कटक, उड़ीसा। मेल लिखते हैं दिल्ली से। ये कह रहे हैं कि क्या मैं नौकरी छोड़कर व्यवसाय में जाऊं और क्या मुझे वापस कटक जा करके कोई व्यवसाय करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन सा व्यवसाय करूं, कैसी सफलता मिलेगी। देखिए कुणाल, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अभी तो नौकरी के योग ही ज़्यादा बेहतर हैं, अभी आपको नौकरी ही करनी चाहिए लगभग 2025 तक, 2025 तक। 2025 के बाद हम ये विचार कर सकते हैं कि आपको व्यवसाय में डाला जाए, और अगर आपका व्यवसाय पानी से जुड़ा हुआ हो, लिक्विड से, दूध से, दवाइयों से या सफ़ेद चीज़ों का व्यवसाय हो तो ये व्यवसाय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम होगा। लेकिन ये व्यवसाय आप 2026 से करिएगा, 2025 तक अभी नौकरी करिए, वही आपके लिए बेहतर है। क्या उपाय करें करियर में, जीवन में सफलता के लिए, एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, आप लोगों के सवाल का जो सिलसिला है वो यहीं पर आज ख़त्म होता है, यानी कि ईमेल अगर आप हमें भेजना चाहते हैं सवाल को, जिसका जवाब आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए, ईमेल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 18 अगस्त को, उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं जी।
जिन लोगों का जन्मदिन 18 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का ध्यान आपको रखना चाहिए। करियर और स्थान में आपके बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। साल के अंत में विवाह होने के योग आपके बनते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो जाएगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। तो आज की जिज्ञासा से जुड़ा हुआ जो हमारा सवाल है वो ये है, पंडित जी, क्या महाभारत पढ़ने से या फिर घर में रखने से किसी तरीके का विवाद घर में होता है, कोई समस्या पैदा होती है, हमें नहीं रखना चाहिए? देखिए, महाभारत भारतीय परंपरा की एक अमूल्य निधि है और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जो चीज कहीं पर भी मौजूद है, रिश्तों की, स्वास्थ्य की, जीवन की, धन की, विवादों की, वो हर चीज महाभारत के अंदर पाई जाती है। ये सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। ये सामाजिक भी है और नैतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। इसको अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता मैं, और इस बात को मैं नहीं स्वीकार करता कि आप महाभारत रखेंगे या पढ़ेंगे तो आपके घर में महाभारत होगी। महाभारत हर घर में होनी चाहिए और महाभारत को भी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। महाभारत में ऐसे ऐसे ज्ञान के सूत्र हैं और ऐसे ऐसी ज्ञान की चीज़ें हैं जो बाकी दुनिया के किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिल सकते। तो जो जिज्ञासा थी उसे पंडित जी ने दूर कर दिया है, हमारे जो सवाल थे उसका जवाब यहाँ पर पंडित जी ने दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर भी उनसे जान लेते हैं कि अगर कोई कार्य आप करना चाहे तो कब आप कर सकते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 अगस्त 2022 का शुभ पहर है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान कृष्ण के भजन गाइए और उनके मंत्रों का जप करिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन की जो तमाम बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ज्यादातर फायदा तब होगा जब शुभ पहर में किया जाए, और वो समय क्या है, वो समय है 18 अगस्त बृहस्पतिवार को शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से कौन सी राशि है और उसके बारे में पंडित जी हमें क्या बताने वाले हैं। पंडित जी, आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला, लिब्रा। तुला राशि वालों का ये समय आपके करियर और जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है अगले 3 में, अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में। लेकिन इस समय इमोशनल प्रॉब्लम ना हो, भावनात्मक समस्या ना हो, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय अगर आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको शुरुआत में वादा किया था कि महा उपाय हम आपको देंगे, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी, आज का महा उपाय जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करेंगे, जन्माष्टमी की रात को बाल कृष्ण की, कृष्ण के बचपन के स्वरूप की पूजा करेंगे। मध्यरात्रि में उनका जन्म हो जाने के बाद उन्हें झूले पर बैठाएंगे, उनको झूला झुलाएंगे और मन ही मन संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। झूला झुलाते समय आपकी मनोकामना पूरी होगी। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म के बाद अगर ये कार्यक्रम किया जाए तो ये ज्यादा शुभ होगा।
इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस प्रकार हमको जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।